किसी राज्य से दोस्त बनाए क्या? तो फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, हाँ यही करेंगे कि और भी कुछ करेंगे? अच्छा, कौन है महीने भर में किसी दूसरे राज्य के 5-10 सेंटेंसेस सीख लिए हो, दूसरे की भाषा के? किस प्रदेश से हैं आप और क्या सीखा? तेलुगु में? अरे वाह, बढ़िया। और कोई है? हैं, उड़ीसा। और क्या सीखे? हैं, कैसे सिखाया? सिखाया सर, उन्होंने हमारा ओडिसी का फॉर्म सर इम्प्रूव किया है सर, फॉलो किया है सर। आप में से कोई है जिन्होंने कोई न कोई दूसरे राज्य की भाषा के 5-7 चीजें सीखने का प्रयास किया और सीख ली? बैठे बैठे। हाँ सर, बेसिकली हम हॉर्स राइडिंग वाले हैं, तो हम सारे हॉर्स राइडर सारे स्टेट के एक साथ रहते हैं। हाँ। तो हमने सर लगभग सारे भाषावासियों के इंटरेक्ट किया है उनके भाषा में। किया? जी सर। एक आध वाक्य बोलिए किसी और भाषा का। सर तेलुगु में बोला जाता है, जैसे किसी को हम पसंद करते हैं तो बोलते हैं नैनो निको प्रेमिस्तिनानो। हाँ बताइए। सर मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और मैंने तमिल में किसी को ग्रीट करना सीखा है। हमारा देश इतना विविधताओं से भरा हुआ है, जितना सीखे उतना कम है। और जैसे जैसे देखने जानने समझने जाते हैं तो पता चलता है कि विविधताएं तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको एकता में बांधने वाला एक ऐसा मजबूत धागा है जो हमें भी कभी दिखता नहीं है। आपने यहां अनुभव किया क्या? वो तुरंत कश्मीर के होंगे लेकिन तमिलनाडु के लोगों से मिले होंगे तो अपनापन महसूस हुआ होगा। भारत जैसे देश को अगर मजबूत बनाना है और आगे ले जाना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है देश की एकता। लोकतंत्र में विचार भिन्नता बहुत स्वाभाविक है और तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से माना गया है। लेकिन एकता को कहीं भी खरोच ना आए और इस भाव को जीना पड़ता है, वरना हम लोगों की आदत क्या है, आपने देखा है कुछ बुराइयां कैसी आ गई हमारे यहां। कुछ कहावतें ऐसी हैं जो किसी न किसी जाति या समाज के साथ जुड़ जाती है। अब हम नौजवानों ने उससे बचना चाहिए। ऐसी कोई चीज ठीक है किसी समय में किसी ने कहा होगा, लेकिन वही कोई वेद वाक्य थोड़ा होता है। हमारे देश की दूसरी विशेषता है, जैसे एक है विविधता में एकता, दूसरी विशेषता है कि हम परिवर्तनशील समाज हैं। नित्य नूतन हम बदल करने के लिए तैयार होते हैं। हम वो लोग नहीं है कि बस ऐसा है तो ऐसा ही चलेंगे। हमें बदलाव जरूरी लगा तो हमने बदलाव स्वीकार कर लिया। समयानुकूल जो परिवर्तन करते हैं वे जो रूढ़ियों के गुलाम नहीं होते वही प्रगति कर पाते हैं। और कभी कभी रूढ़ियां अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है और समाज जीवन का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है इस अंधश्रद्धा की जंजीरों में जो लोग बंद है
उसके कारण है। और इसलिए नौजवानों का यह दायित्व बनता है अपने परिवार में भी अगर ऐसी कुछ मान्यता है तो धीरे 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 उनको समझाते समझाते उसे बाहर लाना चाहिए। अपने परिवार में, अपने मित्रों के परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, तो देश का युवा कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। कुछ काम ऐसे हैं कि जिसमें हमें कभी कभी लगता है कि सरकार करेगी। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें जो बन गई हैं कि ये काम तो सरकार करेगी, ये काम तो सरकार करेगी, तो देश आगे बढ़ेगा क्या? क्या ये देश हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है क्या? एक चौराहे पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है कि ट्रैफिक ठीक रहे, कि वो उस व्हीकल को चलाने वाले की भी जिम्मेवारी है कि ट्रैफिक ठीक रहे, पैदल चलने वाले की भी जिम्मेवारी है कि नहीं है? लेकिन हमारे यहां क्या है, अगर मान लीजिए कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो सब बोलेंगे देखिए पुलिस वाला कहां है, पुलिस वाला क्या करता है। ये जो हमारे देश में भाव बना है इसको बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज में बदलाव के लिए धन खर्च नहीं होता है, लोग काम नहीं करते, ऐसा नहीं है, करते हैं। आज देश यहां तक इसलिए पहुंचा है कि बहुत लोग हैं समाज में, ऐसे लोग हैं जिनके कारण ये संभव हुआ है। जिनको पद्मश्री मिलता है उनके विषय में जानकारी पाने का प्रयास करते हैं आप लोग, या तो सिर्फ भाई हमारे राज्य में 5 को मिला 6 को मिला, कुछ लोग यहां तक सीमित हो जाते होंगे, कुछ लोग इस बात में सीमित हो जाते होंगे कि हां मैं इसको तो जानता हूं, मैं इसका सुना है। कभी कभार एक विद्यार्थी मन ऐसे लोगों के लिए जानकारी पाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहां एक भारत सरकार ने वेबसाइट शुरू की है, आप लोग तो सब गूगल गुरु वाले हैं ना, है आपका गुरु गूगल है ना, तो कभी गूगल गुरु को पूछा है कि हमारे देश में सेना में जो भिन्न भिन्न प्रकार के सम्मान मिलते हैं उसकी परिभाषा क्या है, कब शुरू हुए और अब तक कितने वीरों ने बलिदान दिया है, उस पर पूरी डिटेल अभी रखी गई है। और मैं चाहूंगा कि हमारे हर स्कूल में, हर कॉलेज में, आप जहां हो वहां सब जगह पे सिर्फ देश के फौज के प्रति सम्मान हो इतना इनफ नहीं है, उनको देखते ही हमारा सीना एकदम से खुल जाए ऐसा नहीं, इतना इनफ नहीं है। ये कितना बड़ा त्याग करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कैसे कैसे बलिदान दिए हैं, उन चीजों को जानने का प्रयास करना चाहिए। वेबसाइट पर स्पेशली भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और मैं चाहूंगा कि अब तक कितने कितने ऐसे हमारे वीर हैं जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, ऐसे कौन लोग हैं, सिविलियन अवार्ड हो या मिलिट्री के अवार्ड है। हमारे देश में पुलिस के संबंध में एक छवि बन गई है, आप लोग भी उसके शिकार हुए होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि आजाद हिंदुस्तान में 33,000 पुलिसों ने बलिदान दिया है, 33,000। किसी ने किसी की रक्षा के लिए किया है, किसी की सिक्योरिटी के लिए भिड़ते हुए किया है, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान का भाव चाहिए वो कभी कभी हम लोग तत्कालीन तो हो जाता है, कुछ हो जाता है तत्कालीन तो मन में भाव जगता है, लेकिन एक जो स्थायी भाव होना चाहिए उसका भाव देश के गौरव के प्रति, देश के आत्मसम्मान के प्रति,
एक निरंतर बना रहना चाहिए। जिस समय हम क्रिकेट में विजय प्राप्त करेंगे तो एकदम से भारत माता उछलने लग जाती है हमारे भीतर। इतना इनफ नहीं है, देश के लिए कुछ न कुछ करने का इरादा ये लगातार बने रहना चाहिए। आप देखते हैं कि देश में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता आई है। आप लोग भी कैंप में होंगे, जरूर किसी ने स्वच्छता के लिए आपके कान में कहा होगा, अरे ये देख तू यार क्या करता है, कहा होगा ना। अब ये हर परिवार का स्वभाव कैसे बने, मैं जानता हूं कठिन काम है। महात्मा गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए बार बार कहते गए, लेकिन बदलाव आने में समय लगता है। अब 2019 में महात्मा गांधी के 150 वर्ष हो रहे हैं। क्या गांधी का ये एक सपना, स्वच्छ भारत का सपना, हम हिंदुस्तान वासियों ने पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो स्वच्छता के लिए अपने घर या परिसर के आसपास नहीं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में लीड करके एक टोली बनाएंगे और इसको सप्ताह में एक दिन बस स्वच्छता के लिए निकलना है? कितने करेंगे? सब करेंगे? ऐसा तो नहीं कि मुझे खुश करने के लिए, नहीं नहीं, वरना कहीं आपको ऐसा लगता हो कि अगर यहां हाथ उठा नहीं उठाएंगे तो कहीं प्रधानमंत्री निराश न हो जाए। आप करेंगे पक्का? उसी प्रकार से जैसे हमारे यहां पोलियो का खुराक खिलाने का कार्यक्रम आता है, अब कई माताएं बहनें बेचारों को पता नहीं है कि ये बच्चों को लेके जाना चाहिए। हम टीवी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम सोशल मीडिया मोबाइल फोन पर देखते हैं, पता चलता है हाँ भाई 5 तारीख को फलानी चीज है, लेकिन कभी हमें विचार आता है कि यार ये अच्छा काम है, चलो मैं भी 2 घंटे लगा करके अड़ोस पड़ोस में बताऊंगा कि देखो भाई आपके घर में बच्चा है तो पोलियो का खुराक खाना है, चलो चलते हैं। क्या कभी मन में आता है ऐसा? ये जब हम इस प्रकार से कैंप में रहते हैं तो हमारे भीतर एक सहज स्वभाव बनता है, स्वभाव हमारे अंदर एक मन में भाव आता है, विविधताओं को जानते हैं, मित्र नए मिलते हैं, उनकी मुसीबतें जानते होंगे, उनके जीवन के रीत रसम क्या है उसको शायद जानकारी पाई होगी, वैसे उनके जीवन में क्या मुसीबतें हैं, संकट क्या है, ये भी उतना ही जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं साथियों आज हमारे एनसीसी के मित्रों का बड़ा आग्रह था, देखिए इस बार आप बड़े भाग्यवान लोग हैं। किस लिए, किस बात के लिए? अरे ये कोई भाग्य की बात थोड़ी है, प्रधानमंत्री का काम है देश के नागरिकों से बात करना, उसकी जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंदुस्तान के हमारे एनसीसी के जवान यहां आते हैं, एक ही देश के मुखिया हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होते हैं। आप उस समय हैं जब एक साथ 10 देश के लोग यहां थे, यानी एक प्रकार से 10 साल का काम एक साल में हुआ है। ये अपने आप में कुछ लोगों को ऐसी घटनाओं को समझते समझते 4-6 दिन निकल जाते हैं, तत्काल इनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। दुनिया में कोई लेख लिखेगा, कोई बताएगा कि भारत में ऐसी घटना घटी तो उसके बाद वो सोचेंगे अच्छा यार उस समय हमने तो कुछ सोचा नहीं। ये जो समिट हुआ है और इस आसियान कंट्रीज के इन 10 देशों के महानुभाव यहां आए हैं,
एक तरफ विश्व कहता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये जो समीट और ये अवसर था, उस फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाने का एक अवसर था, जिसका प्रभाव आने वाले दशकों तक रहने वाला है, और उसमें भारत का अपना एक रुतबा बना रहेगा, और आप उस अवसर के भागीदार हैं। ये कितने बड़े हैं। मैं एनसीसी के इस बार के जो योजक हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों का बड़ा आभारी हूं, वरना हर बार क्या होता था, हम आते थे रोबोट की तरह एक 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 जगह पे जाते थे और उधर से निकल के फोटो खिंचवा के चले जाते थे, लेकिन आज इस बार मुझे आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया, आपसे बात करने का अवसर मिला, मुझे अच्छा लगा। कल मैं एनसीसी के सारे नौजवानों को कल या परसों आप लोगों के बीच आने वाला हूं। देश भर से जो कलाकार आए मेरे बगल में, सब दुनिया के जो जो लोग बैठे थे मंच पे, उनको इस बात की खुशी थी कि डेढ़ घंटे के भीतर भीतर भारत की कला संस्कृति परंपराओं को अपने सामने से गुजरते हुए देखा, उनके मन में इसकी छवि बन गई, और बार बार पूछ रहे थे ये क्या है, ये कैसे है, ये क्या करते हैं, ये कपड़े ऐसे क्यों पहनते हैं, वहां ठंड नहीं होती क्या, वहां गर्मी होती है क्या, इतनी सारी जिज्ञासा थी भारत को जानने की। तो हमारे जिन कलाकार साथियों ने, एनएसएस वगैरह के विद्यार्थियों ने जो काम किया है, इसकी एक अच्छी छवि लेकर के दुनिया के हमारे मेहमान गए हैं, और ये भारत को बहुत काम आएगा। समय पर कार्यक्रम होना, इतना बड़ा इवेंट किसी भी प्रकार के विघ्न के बिना पूरा होना अपने आप में बड़ी बात होती है, और कभी कभी प्रकृति भी मेहरबान हो जाती है। पर ठंड तो ज्यादा थी, जो आप में से 4 बजे उठते थे उनको पता है।